हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ड्रोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। ऐसा ड्रोन जो अब तक सिर्फ बहुत कम लोगों के पास है और उसका नाम है मैविक 2 प्रो। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, मैविक 2 प्रो। दोस्तों, आज मैं इस ड्रोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसके साथ हमें दो चीजें मिलती हैं। एक है ये हमारा ड्रोन जिसके अंदर एक बैटरी, चार्जर, प्रॉपर साइट वगैरह से मिलता है। लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा बैटरी या फिर उसके बैग की जरूरत पड़ती है तो इसके साथ एक मिलती है कॉम्बो किट। ये अभी दोस्तों आपके सामने, ये अलग से मिलती है, ये अलग होती है। पहले जो ड्रोन आते थे हमारे सेंटम 4 वगैरह, उन सब के साथ में इनके रहती थी, इनबिल्ट रहती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब मैविक 2 प्रो जो ड्रोन है वो बिल्कुल अलग आ गया है और जो हमारी ये कॉम्बो किट है ये अलग आ गई है। इसके साथ साथ क्या मिलता है आपको सामने दिख रहा होगा, तो हम इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं। आइए दोस्तों कुछ नया जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरे सामने एक ड्रोन रखा है, दूसरी कॉम्बो किट रखी है। मैं बारी बारी से इन दोनों की अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको एकदम साइड में रख देता हूं, यहां पर आराम से सेफ रखी रहेगी। और अब मैं इसको ओपन करूंगा। इसको इस तरीके से निकाला जाएगा, ये एक बॉक्स बन गया, इसको मैं साइड में रख देता हूं। ठीक है दोस्तों, और अब मैं इसको धीरे धीरे ओपन करने वाला हूं और आप लोगों के सामने एक नया मैविक 2 प्रो ओपन हो गया। दोस्तों दिख रहा है ना आप लोगों को, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत ही हल्का। आप लोगों के सामने है मैविक 2 प्रो DJI का ड्रोन। साइड में रखते हैं, अब हम इसको देखेंगे और क्या क्या मिलता है। इसके साथ हमें उड़ाने के लिए एक रिमोट मिलता है। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। इसको ओपन कर लेता हूं मैं यहां से। इसके साथ एक हमें ये केबल मिली है, ओके, ये फोन को अटैच करने के लिए केबल है। इसको भी मैं अपने, अब इसको क्या करता हूं, साइड में रख देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, बैठ साइड में गया, उसे जाने दो। इसको देखते हैं सब लोग, एक ये केबल मिली है, ये एंड्रॉइड फोन के लिए है, ओके। मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूं, ओपन करके दिखा देता हूं, इससे आपको आइडिया लगेगा। अगर आप लोग भी नया ड्रोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके साथ मिलता क्या क्या है। ये हमारे, ये जो लीड मिली है ये आईफोन के लिए है और ये हमारे एंड्रॉइड फोन चलाने के लिए है। दो लीडें हो गई, एक ये तीसरी लीड और मिली है, एक्स्ट्रा है ये, इसको भी साइड में रख दिया। मैंने रिमोट आपको दिखाई दिया है, ये हमारा बॉक्स अभी खाली नहीं हुआ है, पूरी तरह से खाली हो गया। इसके साथ ओके, खोल के देखते हैं क्या है। अच्छा, ये एक अलग से पिन मिली है, इसको भी अलग से रख देते हैं, इसी में पैक करके रख देते हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे इसके अंदर बहुत कुछ सामान निकलने वाला है और काफी सामान इस टेबल पर फैलने वाला है। ये क्या चीज है। अच्छा, ये दोस्तों बटन है, ये शायद इस रिमोट पर लगेंगे, यहां पर मैं बाद में दिखाता हूं इस चीज को। ठीक है, आइए हम इसको पहले खोल कर देखते हैं क्या क्या है। एक ये डिब्बा में निकला है, इस डिब्बे में देखते हैं, ओहो, ये है हमारा चार्जर, अच्छी खासा पैकिंग किया हुआ चार्जर है, पन्नी चढ़ी हुई है इस पे, ओके। एक ये है, अच्छा ये लीड हो गई, मेन केबल, पावर केबल, अच्छे से पैकिंग करके की हुई है, देख लो दोस्तों काफी अच्छे से पैकिंग की हुई है इसकी। इसको भी हम लोग यहाँ साइड में रख देते हैं। अब इसके साथ ये क्या मिला है, इसको ओपन करते हैं। मुझे यहां से देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर शायद मैनुअल कार्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग खोल कर देखते हैं क्या करता है क्या इसके अंदर। अच्छा दोस्तों, ये मैनुअल किट है और ये हमारे शायद से जो है, खोल कर देखते हैं क्या है, शायद क्यों कहें हम, अच्छा प्रोपेलर है ये दोनों, ओके। तो प्रोपेलर के कितने सेट मिलते हैं ये देखते हैं। इसमें और भी रखे हुए हैं, इसको मैं यहां रखता हूं, एक सेट हमारा ये हो गया और ये भी प्रोपेलर के सेट है, दो सेट और ये है तीन। तो दोस्तों इसके साथ हमें क्या क्या मिला, और ये एक मैनुअल गाइड है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ना क्योंकि इसमें, हाँ टोटल इंग्लिश में भी है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक मैंने ड्रोन खरीदा था उसमें चाइनीज में लिखा हुआ था, मुझे वो समझ में ही नहीं आई, अपने हिसाब से मैंने उसको देख देख के समझा। ये अच्छी बात है कि इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसको काफी कुछ सीखने को मिलता है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। एक ये हमारा कीप फ्लाइंग करके लिखा हुआ है, DJI केयर रिफ्रेश, ये दिखाता हूँ, एक ही कार्ड मिला है। इसके आगे लिखा हुआ है वी हेयर टू हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प वगैरह की जरूरत चाहिए, स्कैन दिस कोड विथ फेसबुक मैसेंजर ऐप, ओके। अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए
तो आप इसको ऐप को डाउनलोड करिए और आपको ये हेल्प करेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ निकली है ये सारी गाइड है। चलो मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। बाकी अभी एक डिब्बा हमारा खाली हो गया है और ये डिब्बा भी हमारा पूरी तरीके से खाली हो गया है। अब मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ और ये सारे हमारे खाली खाली डिब्बे हो गए हैं, इन सबको मैं हटाता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में इसके साथ सामान क्या क्या निकला। आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें रखी हुई हैं कि हमारा जो ड्रोन था उसमें हमें क्या क्या साथ में निकला। ये चार्जर हो गया, ये एंड्रॉयड के लिए हो गई अटैच करने के लिए, ये आईफोन को अटैच करने के लिए हो गई, ये एक एक्स्ट्रा और केबल हो गई, ये रिमोट हो गया, ये हमारा ड्रोन हो गया और इसके साथ प्रोपेलर कितने सेट मिले हैं, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ठीक है, अब एक सेट ये हो गया, तीन सेट हमें इसके साथ में मिली है। दोस्तों मैंने ये ड्रोन खरीदा क्यों, इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको आपके सामने ये डिब्बा रखता हूँ और दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसके साथ सबसे अच्छी बात जो मिली है वो है हैसलब्लेड 1 इंच सेंसर का इसमें कैमरा मिला है, जो बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ आगे एक कैप लगी है, मैं इसको दिखा देता हूँ, इस कैप को उतार के मैं साइड में रख देता हूँ और दोस्तों आपको दिख रहा होगा हैसलब्लेड कैमरा। ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसके अंदर आई है और बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है और मैंने और कुछ नहीं देखा, सिर्फ इसमें एक ही चीज देखी कि हैसलब्लेड कैमरा लगा हुआ है इसमें और इसी टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैंने ये ड्रोन परचेज किया है, खुद परचेज किया है। दोस्तों मुझे डीजीआई वालों ने कुछ भी इसका रिव्यू करने के लिए नहीं बताया या ये करो वो करो, मैं खरीद कर लाया, मुझे अच्छा लगा, मुझे आपको शेयर करना अच्छा लगा। अब इसके साथ क्या क्या मिलता है, मैंने आपको 1 इंच सेंसर कैमरा बताया, इसमें 4K HDR वीडियो मिल रही है इसमें और इसके साथ मिलता है ओमनी डायरेक्शनल ऑप्टिकल सेंसिंग। इसमें अच्छे खासे सेंसर लगे हुए हैं, काफी बढ़िया सेंसर लगे हुए हैं, हर तरफ सेंसर ही सेंसर हैं। देखो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेंसर हर तरफ से कवर करेगा इसको, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें काफी अच्छे सेंसर लगे हुए हैं, हर तरफ से कवर करेगा, आप चाहे इसको इधर ले जाएं तो इधर भी सेंसर लगे हुए हैं, इधर ले जाएं इधर भी हैं, पीछे ले जाएं पीछे भी तो सेंसर लगे हुए हैं, आगे ले जाएं तो आगे भी सेंसर लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है। और मैं इसमें आपको बताऊं 8 किलोमीटर वीडियो ट्रांसमिशन मिलेगी, मतलब ये 8 किलोमीटर तक आगे जा सकता है, 31 मिनट का फ्लैग टाइम है और 72 kmps की मैक्सिमम स्पीड है। ये काफी अच्छे और बढ़िया फीचर्स लगे इसमें, इस वजह से मैंने इसको परचेस किया। अब मैं इसको साइड में रख रहा हूँ और अब मैं आपको सामने खोलने जा रहा हूँ इसकी कॉम्बो किट। ये रहा दोस्तों हमारे सामने इसकी कॉम्बो किट। इसकी सबसे पहले हम पन्नी को निकाल देते हैं पूरी तरीके से, क्या करना है हमें इस पन्नी का, और इसको हम ओपन करते हैं आप लोगों के सामने। ये रहा वो मैजिक बॉक्स, पूरी तरह से ओपन हो गया है। इसके साथ हमको मिलता है ये बैग, ये रहा दोस्तों हमारे पास ये बैग जो इस कॉम्बो किट के साथ मिला है। मैंने आपको पहले ही बोला था ड्रोन अलग है, कॉम्बो किट अलग है। अगर आपको सिर्फ ड्रोन लेना है तो आप सिर्फ ड्रोन ले सकते हैं, कॉम्बो किट लेना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में आपको कॉम्बो किट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि बैग की जरूरत पड़ती है, 2 बैटरियां एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है क्योंकि आधे घंटे से हमारा काम नहीं होता है और भी बहुत कुछ होता है जिस वजह से हमें ये कॉम्बो किट लेना कंपलसरी पड़ता ही पड़ता है। अब मैं आपको सामने ये बैग ओपन करूंगा, इसके अंदर आपको जो मिलेगा देखते हैं क्या इसके अंदर वही चीजें मिलती हैं जो इस डिब्बे में दिखाया है। इस डिब्बे में हम लोग जैसे देख रहे हैं 2 सेट ये प्रोपेलर के हैं, 2 बैटरियां हैं, ये चार्जर है, ये बैग तो हमारे सामने निकल ही आया, ये एक हमारा एडाप्टर है और ये चीज है, ये हमारा है शायद चार्जर का ही कुछ लग रहा है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है, इस बीच में हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसकी चेन ये वाली ओपन करता हूँ कि देखते हैं इसके अंदर कुछ तो नहीं है, कहीं कुछ लग दिया नहीं दोस्तों, ये खाली है, इसको ओपन करते हैं और क्या है ये चीज। अच्छा यहाँ से ये चैन ओपन होगी, ओके ये ओपन होती है, ये दोस्तों देखिए इस को खाली हो चुका है, इसको हम नीचे साइड में रख देते हैं। दोस्तों ये खुल चुका है हमारा बैग और अब हम सबसे पहले इस बॉक्स को निकालते हैं कि देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो इस बॉक्स के अंदर दोस्तों हमारा ये निकलता है, ओके दोस्तों इसके साथ एक हमारा कार चार्जर है। ओके आप अगर कहीं ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं क्योंकि छोटा सा तो एक है, अगर हम कहीं पर टूर वगैरह पर कहीं घूमने जाते हैं और हमें हमें पसंद आता है ड्रोन से शूट वगैरह करने के लिए, तो कार में अगर हम हैं तो हम इसको कार से भी इसकी बैटरियां चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी में लग जाएगी और ये आपकी कार में लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। और बाकी ये खाली हो चुका है, हम इसको नीचे रखते हैं और इस चार्जर को यहाँ साइड में रखते हैं। दोस्तों हम दूसरा बॉक्स खोलते हैं, इस बॉक्स में देखते हैं क्या है। इस बॉक्स में 2 चीज़ें निकली हैं और इस बॉक्स में है ये रही हमारी बैग। इस बैग में हाँ ये देखिए दोस्तों हो गए ना, ये बैग को अगर आप कंधे पे लटकाना चाहें तो कैसे लटकाएं, तो उसके लिए ये बैग मिली है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों ये चीज़ है ओपन ही कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ओके दोस्तों ये हमारा एडाप्टर है,
वो मैंने बताया था ना उसमें आपको डिब्बे पे दिख रहा होगा। दोस्तों देख लेते हैं हम लोग इसको खोल के, इस पन्नी को हम नीचे रख देते हैं। और ये दोस्तों देखिए ये एडाप्टर है, ये बैटरी में लगाने के, अच्छा अच्छा ये इसमें यूएसबी केबल लगाने का, ये हमने समझा इसको क्या, देखते हैं आगे क्या होता है इसका यूज। सॉरी कैसा लगता है एकदम ना, कोई चीज़ हमारी नई हो इतनी महंगी हो और गिर जाए। ओके ओके ये चार्जर कॉर्ड है ये शायद, ये पन्नी को मैं नीचे रख देता हूँ। और इसको ओपन कैसे होता है इसको देख लेते हैं, ये है शायद इसको कुछ है। ओके ओके ये देखो दोस्तों ये कॉर्ड हो गया है, इसको देखते हैं आगे, देखते हैं कैसा होता है। मुझे लग रहा है कि ये ही इसमें लगेगा। क्या ये इसमें लग पाएगा? नहीं ये दोस्तों इसमें नहीं लगेगा, ये किस चीज़ में लगेगा देखते हैं बाद में इसको चीज़ को समझेंगे। मैनुअल किट किस लिए दी है, इसीलिए तो दी है ताकि हमें कुछ समझ में ना आए हम पढ़ लें। अच्छा दोस्तों ये खाली हो चुका है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो, हाँ दोस्तों ये रही स्क्रीन, खाली नहीं हुआ है ये रही दोस्तों, इसके साथ जो हमें बैटरी मिली थी वो नीचे छुपा के रखी हुई है इन्होंने। एक बैटरी है और एक बैटरी मुझे और दिख रही है दोस्तों, देखिए आप लोग सामने ये दो बैटरियां दिख रही होंगी, वो ये चार्ज का पता नहीं चल पा रहा है कितनी चार्ज है, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। और इसको खोल कर आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या रह गया है इसमें, मुझे कुछ दिख रहा है काला काला सा, क्या है ये कुछ नहीं है, ये नीचे लगाने के लिए इसको लगा देते हैं। एक चैन मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसको ओपन करते हैं क्या है इस चैन के अंदर, इस चैन के अंदर कुछ भी नहीं है, इस चैन के अंदर कीड़े मर रहे हैं, इसको इसी में पड़ा रहने देते हैं। और क्या है इस, और एक चैन इसमें ये दिख रही है मुझे, इस चैन को ओपन करते हैं, इस चैन के अंदर देखते हैं। अच्छा इसमें पैकिंग और बेल्ट कपड़ा काफी अच्छा है, इसके अंदर जो हमारी चैन है वाटर प्रूफिंग चैन है काफी बढ़िया है। इसके अंदर ये रहे दोस्तों प्रोपेलर सेट, एक सेट ये दिया है, दूसरा सेट हमें ये मिला है दोस्तों, ये सेट रहे। अब हमारा शायद से ये पूरा ये कीड़े मार दो, अब ये हमारा बैग खाली हो गया पूरी तरीके से। इस बैग के अंदर हमें रखना होगा दो बैटरियां, एक बैटरी हमें इसके साथ मिल गई, ठीक है दोस्तों ये साइड में रख देते हैं। कॉम्बो किट ये हमारे सामने तैयार है, कॉम्बो किट, और ये हमारे सामने तैयार है ड्रोन का सामान जो हमें ड्रोन के साथ मिलता है, और ये हमें मिलता है सारा सामान कॉम्बो किट के साथ, बिल्कुल सही दोस्तों। तो इसके साथ हमें मिलता है ये एक कार चार्जर, एक बैट, एक ये वो ये चार्जर है, अच्छा बैटरी चार्ज करने का एक वो चार्जर अलग से है, दो बैटरियां हो गई और ये प्रोपेलर सेट हो गया और एक ये बैग। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियो आपको जरूर मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन का आता रहेगा। मैं ड्रोन से, इस ड्रोन से संबंधित और भी वीडियो लेकर के आऊंगा, इसकी हम लोग आगे फ्लाइट टाइम चेक करेंगे, इसकी वीडियो क्वालिटी चेक करेंगे, इसमें क्या क्या कहते हैं बैटरी का और बाकी सारी चीजें धीरे धीरे मैं इसको जस्ट जिस तरीके से ये उड़ता रहेगा मैं उस तरीके से आपको इसमें ये रिव्यू देता रहूंगा। DJI मुझे नहीं बोल रहा है कि इसका रिव्यू दो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं इतने कुछ नया खरीदा है, कुछ ड्रोन नया खरीदा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसकी सारी जानकारियां अपडेट कराता रहूं धीरे धीरे। और अगर आपको मेरे से कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, आप मेरे से मेल आईडी पर संपर्क कर लीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मैं उसके माध्यम से देता रहूंगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नमस्कार दोस्तों।